ये प्यारी सी मासूम 4 साल की बच्ची आयुषी है, जो उम्र बच्चों के खेलने और घर में किलकारियां मारने की होती है। यदि इस उम्र में उसे कोई गंभीर रोग जग जाए तो वो भी जिसका इलाज का खर्च लगभग 30 लाख रुपया हो, तो सोचिए वो परिवार उस बच्ची को जन्म देने वाली माँ और प्यार करने वाले पिता के लिए कितनी असहनीय पीड़ा होगी, जबकि वह इस खर्च को वहन करने की स्थिति में न हो। ये बच्ची जनपद जौनपुर के मड़ियाहू तहसील अंतर्गत जमालापुर से लगभग 2.5 किलोमीटर रामपुर मार्ग पर औरा गांव में अपने ननिहाल में है। ऐसे में उस मासूम बच्ची के लिए कुछ समाजसेवी आगे आए और शुरुआत दो मित्र नारायण सिंह और आनंद अनुराग जायसवाल ने कर दी और आयुषी के इलाज के लिए सड़क पर निकलकर सहयोग राशि जुटानी शुरू कर दी और देखते ही देखते कारवां चल पड़ा और रामपुर विकासखंड के पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि और धनुआ के प्रधान विनोद जायसवाल और आनंद दीक्षित ने स्वयं आर्थिक सहयोग के मार्ग में आगे आकर लोगों से मार्मिक अपील किया है। लोग सहयोग में आगे आए और आर्थिक मदद कर इस मासूम सी प्यारी सी नन्ही सी भारत की बेटी आयुषी यादव की जीवन को बचाए। यदि आप आयुषी के जीवन को बचाने के लिए मददगार बनना चाहें तो सहयोगार्थ आर्थिक मदद आयुषी की माँ के बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पारो यादव अकाउंट नंबर 4030219932 6 IFC कोड नंबर SBIN00151 36 या फोन पे या गूगल पे 8470895825 पर मदद धनराशि डाल सकते हैं। हम बच्चों के सामने चल रहे हैं सर, लोग आ जाइए सर। ठीक है, जो भी दो चार नहीं है तो भी नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास जो भी सही होगा आप कैसे। चलो उधर चलो यार, तुम कैसे जा रहे हो, पीछे जाओ भाई जाओ। ग्राम प्रधान धनुआ विकासखंड रामपुर, लोगों से अपील करता हूं कि आयुषी नाम की बच्ची गंभीर रोग से बीमारी से ग्रस्त है। लोगों से मेरा आग्रह है कि इसमें लगभग 30 लाख रुपया खर्च आने की संभावना है। लोगों से अपील है कि इसमें चढ़ बढ़कर सारे प्रतिनिधि या सम्मानित व्यक्ति या व्यवसायीगण या सर्विस गढ़ वाले लोगों से मेरी अपील है कि चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा ले, मेरा भी जो है इसमें सहयोग जो है समाज के प्रति बच्ची के प्रति अच्छा चढ़ बढ़ के सहयोग रहेगा। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है और आयुषी के लिए आपका क्या सहयोग है, इसके बारे में जानकारी। मेरा नाम आनंद जायसवाल, मैं धनुआ रामपुर का निवासी हूँ। जी जी, आयुषी एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र 4 वर्ष है। कुछ दिन पहले हम लोग को अवगत हुआ कि आयुषी को एक गंभीर बीमारी हुई है। ठीक, इसकी जानकारी हमें नारायण हमारे मित्र हमारे सहयोगी द्वारा प्राप्त हुई। जी, तो हम लोग ने मिलकर इसके लिए मुहिम छेड़ा। जी, एक गरीब परिवार से की बेटी है, इसके इलाज के लिए जो भी खर्च वहन जो भी होगा सहयोग होगा वो मिलकर किया जाएगा। सामाजिक तौर पे जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ से हम लोग चंदा या अनुदान इकट्ठा करके इनके इलाज में
सफल करेंगे। तथा आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन होगा, इस छोटी सी बच्ची के लिए अपना थोड़ा बहुत ही छोटा ही बहुत अनुदान जरूर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। हाँ भाई साहब, ये बताइए, आयुषी यादव की जो तबीयत खराब हुई है जिसमें डॉक्टरों ने बताया है कि 25-30 लाख रुपए का खर्च है, इसके बारे में आपका क्या सहयोग है और आपने क्या सहयोग किया है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखो, आयुषी यादव जो ग्राम औरा की निवासी है जिसका ननिहाल औरा में है, जी जी, हमारे ही एक मित्र हैं संदीप यादव जी, जिनके माध्यम से मुझे पता चला जी, जिसकी सूचना हमने अपने बानर सेना के जो श्रेष्ठ लोग हैं अजीत प्रताप सिंह डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग जी, सुधाकर सिंह और दिवाकर सिंह सर, सीमा त्रिपाठी जी जी जी, सुजीत सर डिप्टी जेलर मुरादाबाद जी, रमेश दुबे जी से हमने इसकी सूचना दिया जी। उन लोगों ने कहा कि इसकी पूरी जानकारी ली जाए जी, और अगर वो पात्र हो तो उसको उसके इलाज की व्यवस्था की जाए। फिर हम लोगों ने एक जन अभियान चलाया, सारे लोगों से मिले जी, इसके बारे में पता किया क्या रोग है, कैसे कहाँ कहाँ इलाज होगा। तो पता करने के बाद पता चला कि इसका इलाज, क्योंकि ये पीडियाट्रिक है, 4 साल की बच्ची है जी जी, जिस कारण से इसका इलाज सिर्फ मुंबई या बड़े शहरों में ही संभव था जी। फिर हम लोगों ने मुंबई में NRCC हॉस्पिटल हाजी अली के सामने है जी, वहां पे बात किया तो वहां से एस्टिमेट लिया तो 25 लाख रुपए का सहयोग हुआ जी, जिसमें हमारी बानर सेना की तरफ से अभी तक 34,000 रुपए और आनंद भाई और राजवीर और अतुल दुबे जी के द्वारा जी सामाजिक चंदा इकट्ठा करके 11,000 रुपए का सहयोग अभी तक उपलब्ध हो चुका है। विभिन्न सामाजिक संगठन NGO के द्वारा भी पैसा उपलब्ध कराने की सूचना है, किंतु अभी तक अब पैसा मिला नहीं है, जिस कारण से उसका उल्लेख अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसका इलाज का क्या कुछ डॉक्टर ने समय निर्धारित किया है, कब तक इसका इलाज कराना संभव है? देखिए, डॉक्टर का कहना है इस बच्ची का जितना जल्द से जल्द इसके बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हो जाएगा जी 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 वह अच्छा होगा जी। धन्यवाद।